तो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ये कंपनी पॉलीमर रिलेटेड बिजनेस करती है। क्या करती है, जब फंडामेंटल एनालिसिस डिटेल में करूँगा तब मैं आप लोगों को प्रॉपरली दिखा दूंगा कि ये काम करती है कंपनी। अभी पॉलीमर रिलेटेड काम आप लोग बोल सकते हो ओवरऑल। उसके बाद अगर कंपनी की 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करें तो वो निकल के आ रही है 3.64, जो कि बहुत ही कम निकल के आ रही है, लेकिन पॉजिटिव रिटर्न देखे गया है ये कंपनी 3 साल में। उसके बाद अगर सेल्स ग्रोथ के बारे में बात किया जाए तो कंपनी की 5 साल की अगर सेल्स ग्रोथ कंपेयर करें तो वो है -4.28%। कंपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबल रहने वाली है। हाँ, सेल्स ग्रोथ कम है, मतलब सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में है, ग्रोथ कुछ हुआ ही नहीं 5 साल की अगर बात करें, लेकिन कंपनी ओवरऑल अपना प्रॉफिटेबल बोल सकते हो। लेकिन जून क्वार्टर के बाद मुझे ये स्टॉक अभी क्यों इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि FIIs ने अपनी 1% से भी ज़्यादा अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ किया है, गवर्नमेंट ने फ्रेश बाइंग किया है, उसके साथ साथ प्रोमोटर्स ने भी अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ किया है। तो गाइज DIIs ने कोई एंट्री नहीं किया है, लेकिन गाइज गवर्नमेंट ने फ्रेश एंट्री किया है, उसके साथ साथ FIIs ने बाइंग किया है 1% से। FIIs कितना परसेंटेज बाय किया, 1.15% से भी ज़्यादा FIIs ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ किया है। कितना एग्जैक्ट फिगर मैं आप लोगों को जब फंडामेंटल एनालिसिस डिटेल में करूँगा, शेयरिंग पैटर्न दिखाऊंगा, तब मैं आप लोगों को बता दूंगा। अभी ऑन एन एवरेज 1.15% से भी ज़्यादा FIIs ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ किया है, गवर्नमेंट ने भी फ्रेश बाइंग किया है, उसके साथ साथ प्रोमोटर्स ने भी अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ किया है। तो आगे कुछ बड़ा हो सकता है स्टॉक में, क्योंकि इतने सारे लोग जब बाई कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होने वाला है स्टॉक में बड़ा। अभी बात करते हैं पहले स्विंग ट्रेडिंग लेवल की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी कैसे रहने वाली है। तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो विकर्स लाइफ केयर कंपनी का नेम है। आप बहुत लोगों ने इस कंपनी के बारे में सुना भी होंगे। NSE की डेली चार्ट खुली हुई है, आज ये कंपनी 3.03% डाउन थी। NSE में हाल ही में लिस्टेड हुआ है और फिलहाल अभी 3.2 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो गाइस ये जो टोटल स्विंग ट्रेडिंग्स लेवल है वो मैं आप लोगों को BSE के चार्ट में दिखाऊंगा, क्योंकि NSE के चार्ट में उतना ज़्यादा डेटा नहीं है कुछ मैं कंपेयर करूँ उसके लिए। तो चलिए BSE के चार्ट देखते हैं कंपनी का। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो BSE के चार्ट में ये 3.25 में क्लोजिंग दिया, जबकि NSE में ये 3.2 रुपीज़ के में क्लोजिंग दिया था, तो इतना फर्क चलता है। उसके बाद अगर 3.2 ये जो लाइन है वो 3.2 में होगा, 3.2 के आसपास ही रहेगा। तो ये देखो अभी सपोर्ट एरिया के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है। पहले सारे स्विंग ट्रेडिंग्स के लेवल मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ, आप लोग कहीं पे नोट डाउन करके रख सकते हो या तो फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, वो टोटली आप लोगों के ऊपर है। रेजिस्टेंस है 6.28 से, फास्ट रेजिस्टेंस 5.08, उसके बाद का 3.25, मतलब 3.2 के आसपास एक सपोर्ट एरिया है कंपनी में। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 5.08 के आसपास एक सपोर्ट भी बोल सकते हो, एक रेजिस्टेंस, मतलब एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अभी तो स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस रहेगा, लेकिन जब ऊपर से नीचे गिर रहा था तब उसके लिए सपोर्ट था। उसके बाद यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट लेवल 6.28 का, उसके ऊपर एक और एक है 9.54। अगर 9.54 की लेवल तोड़ देती है कंपनी का जो ऑल टाइम हाई, मतलब 52 ही हाई नहीं, जब से कंपनी लिस्टेड हुआ है तब से जो इसका हाई निकल के आ रहा है वो करीब करीब ये आप लोग देख सकते हो ऑलमोस्ट 18 रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। तो अगर ये 9.54 के ऊपर क्लोजिंग कर देती है कभी भी स्टॉक, तो आप लोग 20 रुपये के टारगेट के लिए होल्ड करके चल सकते हैं, क्योंकि 20 रुपये का टारगेट ऑल टाइम हाई ज़रूर तोड़ेगी। अगर 10 के ऊपर क्लोजिंग कर देती है स्टॉक तो आराम से जो ऑल टाइम हाई है वो कंपनी, ये जो स्टॉक है वो तोड़ने वाली है। तो चलिए अब बात करते हैं अभी क्या कौन सी ट्रेड लेना है आपको। देखो गाइस अभी सपोर्ट की अराउंड ट्रेड करिए, थोड़ा जूम कर देता हूँ टोटली ये दो लेवल्स के बीच में मैं फोकस करता हूँ अभी। तो देखो सपोर्ट के आसपास आप लोग बाई करके चल सकते हो, लेकिन उसमें रिस्क थोड़ी ज़्यादा है। अगर यहाँ से नीचे गिरती है तो कितने की लेवल दिखाएगी वो किसी को नहीं पता, 2 रुपये तक की भी लेवल दिखा सकती है तो ज़्यादा लॉस हो जाएगा आप लोगों को। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि गाइस वेट कर जाओ, जब एक कन्फर्म बाउंस बैक आप लोगों को मिल जाए, कि अभी श्योरली एटलीस्ट जितना हो सके अपने साइड से श्योर रह जाओ वॉल्यूम देख के वो सब देख के, मतलब एक एनालिसिस करके कि अभी एक प्रॉपर बाउंस बैक हो गया है, अब नीचे आने की चांसेस कम है, ऊपर जाने के लिए मोमेंटम ये जो स्टॉक है वो पकड़ लिया है, तभी आप लोगों को बाई करना है 5.08 के लेवल के लिए। तो गाइस ज़्यादा लेट मत करना, एटलीस्ट ट्राई करना 3.45 या तो फिर 3.5 मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3.75 के लेवल से पहले एंटर कर जाना। अगर आप बिगिनर हो, आप लोगों को समझ में नहीं आता, तो गाइस ऐसे पेनी स्टॉक्स में आप लोग ट्रेड मत करो, क्योंकि यहाँ पे रिस्क बहुत ही ज़्यादा रहता है। और बिगिनर्स गाइस आप लोग अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, लेकिन गाइस ये मत करना, हाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है लेकिन स्टॉक ऊपर जा रही है तो मैं बाई कर लेता हूँ,
क्या पता 3.75 के लेवल भी चला गया, मैं जल्दबाजी में बाई कर लिया, फिर देखा कि स्टॉक नीचे गिर गया, जैसे कि यहाँ पे हुआ था, ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, मैं बिगिनर हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन स्टॉक तो अभी ऊपर जा रहा है, मुझे लगता है कि ये अभी नीचे नहीं आएगा, लेकिन देखो नीचे गिर गया स्टॉक। तो एक कन्फर्मेशन के बाद ही आप लोग एंटर करना, अदरवाइज आप लोग गलती कर दोगे। ठीक है गाइस, इस स्टॉक में लेट हो गया तो क्या हुआ, बहुत सारे स्टॉक्स है स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए, अगर लेट हो जाए मैक्सिमम मैं वेट कर सकता हूँ 4K, क्योंकि एटलीस्ट 1 रुपये का गैप आप लोग रखो, एटलीस्ट ये जो रेजिस्टेंस एरिया है टारगेट है, टारगेट से 1 रुपये का गैप आप लोग रखो, और इतना लंबा आप लोगों को पीरियड मिल रहा है एंटर करने के लिए, इतने में आप लोगों को अच्छा खासा कन्फर्मेशन मिल जाने का चांसेस 90% है। अगर ऊपर जाती है तो कन्फर्मेशन 3.75 से पहले ही मिल जाएगा, लेकिन अगर फिर भी आप लोग थोड़ी और वेट करना चाहते हो तो 4 रुपीज़ से पहले 100% इंटर कर जाना, अगर आप लोगों को करना है तो 100% इंटर कर जाना 4 रुपीज़ से पहले, बाकी उससे लेट मत करना, क्योंकि एटलीस्ट 1 रुपये का मार्जिन रखना आप लोगों को पर शेयर में। अगर बाय चांस मान लो कि ये जा हुआ था, अगर मान लो कि ये ऐसे कुछ लॉट आती है, इसलिए मैं यहाँ पे देख सकते हो, इसलिए मैं 3.75 मैक्स बोल रहा था, मान लो कि आपने 4 रुपये में बाई किया और ये स्टॉक ऊपर जाके 4.45 के लेवल ऑलमोस्ट टच करके, या तो फिर 4.4 के लेवल टच करके ये फिर से नीचे गिर गया, तो आप लोग एटलीस्ट प्रॉफिट में एग्जिट कर सकोगे, या तो फिर बाइंग प्राइस मतलब जो आपका एवरेज ट्रेडेड प्राइस था उसमें आप लोग एग्जिट करके निकल सकोगे, तो आप लोगों को लॉस नहीं होगा। एटलीस्ट इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा, क्योंकि स्टॉक मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, उसके ऊपर से ये पेनी स्टॉक है, तो बीच में अगर कहीं से भी रिटर्न आती है स्टॉक तो आप लोग सेफ रहोगे, आप लोग एग्जिट करने का मौका मिलेगा, आप लोग को लॉस नहीं होगा। जितना जल्दी हो सके कन्फर्मेशन ढूंढने की कोशिश करो, अगर कन्फर्मेशन जल्दी जल्दी में मिल जाता है आप लोग को, लेकिन जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि अगर जल्दबाजी करोगे तो एटलीस्ट कन्फर्मेशन से पहले आप लोग बाई कर लोगे, और जिस दिन आप ये भी हो सकता है जिस दिन आपने बाई किया उसी दिन से ये स्टॉक नीचे गिरना चालू होगा, तो आप लोग को लॉस हो जाएगा। एटलीस्ट कन्फर्मेशन के बाद अगर आप लोग बाई करते हो तब भी आप नीचे आने के चांसेस है, लेकिन कन्फर्मेशन के बाद बाई करने में 2 या 3 दिन बाद ये स्टॉक नीचे आ सकती है। कन्फर्मेशन अगर आप लोगों को मिल जाता है उसी दिन अगर बाई करते हो तो उसी दिन जो स्टॉक है वो नीचे आने के चांसेस थोड़ी कम रहता है कंपेयर टू ये जो जल्दबाजी में अगर आप लोग एंटर करते हो। तो अगर ये फर्स्ट टारगेट हो गया 5.08 का, और सेकंड टारगेट तो मैंने आप लोगों को बता दिया 6.28, 9.54 का टारगेट अभी नहीं दिखा सकती है कंपनी, एक स्विंग में उतना ज़्यादा जाना मुमकिन नहीं है कंपनी के लिए। उसके बाद अगर बात करें तो क्या करना है, अगर 3.2 के लेवल से अगर नीचे गिरती है तो गाइज़, 3.2 के नीचे से अगर नीचे गिरती है तो गाइज़ आप लोगों को वेट करना है और देखना है कब से ये बाउंस बैक दिखा रही है, कहीं से भी दिखाए, चाहे वो कहीं से दिखाए। अगर मैं एग्जांपल दौड़ के बता देना चाहता हूँ, ये जैसे कि आप लोग देख सकते हो ऑलमोस्ट 2.5 के लेवल से ये बाउंस बैक दिखाती है, तो देखो जितने एटलीस्ट 2.5 के बीच में और 3 और 2.5 के बीच में अगर ये स्टॉक रहती है नीचे गिरने के बाद, 3 और 2.5 के बीच में अगर स्टॉक रहती है और वहाँ से 2.5 के लेवल से और उसके ऊपर के ऑलमोस्ट 2.75 या 2.5 के लेवल से अगर बाउंस बैक दिखाती है तो बाउंस बैक कन्फर्मेशन के बाद आप लोग एंटर करके चल सकते हो फॉर द टारगेट्स ऑफ 3.2। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ से स्टॉक नीचे गिरा, ये जो रेड कलर का सपोर्ट एरिया है वहाँ से स्टॉक स्लिप हुआ, नीचे गिरा 2.5 से बाउंस बैक करके 3.2 के लेवल दिखा दिया, फिर से स्लिप हुआ, फिर से लेवल दिखा दिया, फिर से स्लिप हुआ, फिर से दिखा दिया, फिर से स्लिप हुआ, फिर से दिखा दिया, इस बार 2.5 नहीं आया लेकिन फिर से जो टारगेट है वो अचीव करा दिया 3.2। तो ये और एक ट्रेडिंग ले सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग ले सकते हो अगर ये स्टॉक नीचे गिरती है तो। अगर 2.5 से भी नीचे गिर जाती है तो गाइज होल्ड करना, वेट करना, कभी ये 2.5 के ऊपर क्लोजिंग करे तब 2.5 के ऊपर बाई करके चल सकते हो फॉर द टारगेट्स ऑफ 3.2 एंड 5.08। ये हो गया स्विंग ट्रेडिंग्स के लेवल। अब बात करते हैं आज कैसा ट्रेडिंग हुआ है स्टॉक में उसके बारे में। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी का नेम विकास लाइफ केयर लिमिटेड। उसके बाद अगर बात करें आज 30,29,454 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, जिसका वैल्यू ऑलमोस्ट 99 लाख रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। उसके बाद डिलीवरी पोजीशन के बारे में बात करें तो डिलीवरी पोजीशन अपडेटेड नहीं है अभी भी। बाइंग की तरफ अगर बात करें तो 5,222 क्वांटिटी अभी पेंडिंग ऑर्डर है 3.2 के प्राइस पॉइंट पे। उसके बाद अगर इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स के बारे में बात करें तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी क्या करती है, इंडिया बेस्ड कंपनी, दैट इज़ ए पॉलीमर एंड पॉलीमर रिलेटेड ट्रेडिंग कंपनी। कंपनी इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ वेरियस केमिकल कंपाउंड्स, पॉलीमर्स, पॉलीविनाइल क्लोराइड रिजन्स, प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स एंड आइटम्स रिलेटेड टू प्लास्टिक इंडस्ट्री। ये हो गया। मार्केट कैप के बारे में बात करते तो 307 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का भी 41.9, थोड़ी सी हाई है लेकिन ठीक है। स्टॉक का ROC 16.1, बेहतरीन ROC है कंपनी स्टॉक का। ROE भी ठीक ठाक है। तो एक मल्टीवेगा स्टॉक होने के लिए जितना ROE चाहिए वो है। ROE थोड़ी कम है और स्टॉक का P थोड़ी हाई है।
अगर ये 15% होता तो मज़ा आ जाता, तो एक मल्टीवैगर स्टॉक ये बन सकते थे। उसके बाद बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है और फिलहाल इट्स ट्रेडिंग अराउंड 52 वीक लो कम्पेयर टू द 52 वीक हाई। डिविडेंड नहीं देती, फेस वैल्यू 1 रुपये का है। उसके बाद अगर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टरली रिजल्ट, तो ये सितंबर क्वार्टर के बारे में बात हो रही है। अगर सितंबर क्वार्टर में अच्छा खासा रिजल्ट दिखाती है तो 9 रुपये तक की टारगेट आप लोग को देखने को मिल सकती है, जो कि थर्ड रेजिस्टेंस निकल के आ रही थी स्टॉक में, और वो भी डिपेंड करता है कितना गुड मतलब बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिजल्ट, रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिजल्ट हुआ तो आप लोगों को 52 वीक हाई तो छोड़ ही दो, नया ऑल टाइम हाई आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अगर स्टॉक का रिजल्ट जो है वो बहुत ही आउट ऑफ द बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन रहा तो ही ऑल टाइम हाई, नया ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है, नहीं तो आप लोग नया 52 वीक हाई एक्सपेक्ट कर सकते हो, उतने भी कोई मतलब नहीं होगा, चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है नया 52 वीक हाई की, लेकिन देख सकते हो अगर एक अच्छा खासा रिजल्ट दिया है सितंबर क्वार्टर में तो। स्टॉक बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड करी, ये कौन सा फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट के बारे में बात करें तो ये तो मेरी वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था, प्रोमोटर होल्डिंग 20.09% है, कंपनी हैज़ लो आरओई 3.64 फॉर लास्ट 3 ईयर्स। उसके बाद कंपनी का जो डेप्टर डेज है वो हाई है 208.91 डेज। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें तो जून के क्वार्टर में आप लोग देख सकते हो, नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो 33 लाख की प्रॉफिट दिया है, जो कि सही है। मार्च क्वार्टर में तो ऑलमोस्ट 4 करोड़ की लॉस दिया था, उसके कंपैरिजन में सही है। कंपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबल देख सकते हो आप लोग, एक या दो बार ही कंपनी ने लॉस दिया है, दो बार कंपनी ने लॉस दिया, एक बार तो ह्यूज क्वांटिटी में मतलब ह्यूज अमाउंट में लॉस दिया और पिछले बार तो ठीक ठाक था। उसके बाद अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आप लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस सेल्स में देख सकते हो, करंट डीटीएम में और मार्च 2021 की फाइनेंशियल क्वार्टर में, फाइनेंशियल ईयर में जो कंपनी है वो लॉस दे रही है। तो गाइस इससे कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते कि कंपनी लॉस ब्रेकिंग बन चुकी है कि नहीं, वो तो डिपेंड करेगा मार्च 2022 के रिजल्ट के बाद। अगर मार्च 2022 फाइनेंशियल ईयर की रिजल्ट अगर नेगेटिव में आ जाती है मतलब लॉस दिया है कंपनी, तो गाइस आप लोग इसे अवॉइड करना। अभी आप लोग स्विंग ट्रेड या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्टॉक में कर सकते हो, बाकी टोटली डिपेंड करता है कंपनी कैसे परफॉर्म करती है। और यहाँ पे अगर बात किया जाए तो अदर इनकम, ये जो टोटली सब कुछ हो रहा है ना टोटली अदर इनकम की वजह से हुआ है। पिछले बार जब तक ये कंपनी लॉस प्रॉफिटेबल थी तब तक अदर इनकम प्रॉफिटेबल थी, मतलब जब तक अदर इनकम प्रॉफिटेबल थी तब तक ये कंपनी प्रॉफिटेबल रही, लेकिन जब से अदर इनकम नेगेटिव में जा चुकी है तब से जो कंपनी है वो लॉस मेकिंग बन चुकी है नेट प्रॉफिट में। इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन वैल्यू तो है ही, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। क्योंकि देखो गाइस ऑपरेटिंग प्रॉफिट ठीक ठाक ही हो रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अगर बारे में बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो टोटल प्रॉफिट है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। पहले 4 करोड़ के आसपास था, उसके बाद 5, उसके बाद 6, 7, 8, इस बार तो 10 करोड़ भी तोड़ के जा सकते हैं, मतलब 10 करोड़ भी 10 करोड़ से भी ज़्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं इस फाइनेंशियल ईयर को, अभी से ऑलमोस्ट 9 करोड़ की प्रॉफिट दिखा रही है, तो आराम से 10 करोड़ बाकी पाँच या छः महीने में आप लोगों को आराम से 1 करोड़ से मतलब 10 करोड़ की प्रॉफिट देखने को मिल सकती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के बारे में मैं नहीं बात कर रहा हूँ। चलिए आप बात करते हैं क्यों कंपनी के पास इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है। बोरोइंग्स आप लोग देख सकते हो, कंपनी जो बोरोइंग्स है वो इंक्रीज कर रही है। कंपनी के पास रिजर्व मार्च 2020 में तो नेगेटिव में था, अभी मार्च 2021 में कंपनी थोड़ी बहुत रिकवर की है, 32 लाख की रिजर्व पड़ी हुई है कंपनी के पास, तो कभी भी कंपनी डेट फ्री बन जाए ये एक्सपेक्ट भी मत करना, और पहले भी कंपनी कभी भी डेट फ्री नहीं रही है तो ये एक्सपेक्ट करना कंपनी से बेकार है। उसके बाद कैश फ्लोज के बारे में बात कर तो 1.1 करोड़ 2 लाख की कैश फ्लोज है, जो कि शानदार जंप आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिला कंपेयर टू मार्च 2020 का क्वार्टर, सॉरी फाइनेंशियल ईयर, क्वार्टर नहीं। उसके बाद अगर बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे अच्छा खासा ड्रॉप, यहाँ पे ओवरऑल ड्रॉप अगर ओवरऑल कंपेयर करें ना जून 2019 से 2 साल में, तो बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिला है, लेकिन फिर से जो प्रोमोटर्स है वो अब बाइंग स्टार्ट कर दिया मुझे ये लग रहा है। अगर सितंबर क्वार्टर में भी जो प्रोमोटर्स का होल्डिंग है वो इंक्रीज हो जाता है तो आप लोग बोल सकते हो कि टू सम एक्सटेंट जो प्रोमोटर्स है वो लगा फिर से बाइंग चालू कर दिया है कंपनी में। और FIIs की अगर बात करें तो FIIs में भी अगर ओवरऑल देखते हैं तो जो होल्डिंग है वो डिक्रीज हुआ है, लेकिन अभी 1.17% जो होल्डिंग है वो इन लोगों ने इंक्रीज किया है इसी क्वार्टर में, जून क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में गवर्नमेंट ने फ्रेश एंट्री किया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 0.01%, ये परसेंटेज में आप लोगों को बहुत ही छोटा लग रहा होगा, लेकिन परसेंटेज में बहुत ही छोटा है, लेकिन अगर ये क्वांटिटी में देखा जाए तो वो बहुत ही सही क्वांटिटी निकल के आ रही है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो पब्लिक में कितना परसेंटेज होल्डिंग है, मतलब छोटे मोटे रिटेलर्स को कितने परसेंट होल्डिंग है स्टॉक में, अगर ये सब कैलकुलेट किया जाए, मतलब ये जो 1.09, 1.08 अगर ये सब माइनस किया जाए, ये टोटल छोटे मोटे रिटेलर्स सबके
पब्लिक होल्डिंग से, तो वो निकल के आ रही है 73.74% जो है वो छोटे मोटे हम जैसे लोगों का पैसा लगा हुआ है इस स्टॉक में। तो गाइस आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी को कंसिडर कर सकते हो। बाकी देखो गाइस, अगर इसका जो अदर इनकम है वो पॉजिटिव में हो जाता है और इसका अगर थोड़ी सी भी डेप्ट रिड्यूस कर देती है ना कंपनी मल्टीबैगर प्रूफ हो सकती है। लेकिन उसका अगर ये आप लोग सोच के चलोगे ना, तो अगर ये हो जाता तो ये हो जाता। तो गाइस अगर ऐसे तो बहुत कुछ होने को तो बहुत कुछ हो सकता था, अगर वो हो भी जाता तो भी बहुत कुछ हो सकता था, मतलब अगर होने को तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन गाइस जो रियलिटी है उसको समझो, अगर ऐसे ही चलती रही कंपनी तो आप लोगों को बहुत ही बड़ा घाटा हो सकता है, लॉस हो सकता है। तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए इतने भी ज़्यादा कुछ रिकमेंड नहीं करूँगा अगर आप लोगों को बिज़नेस के ऊपर, क्योंकि अभी अब जब भी इन्वेस्ट करते हो अब किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते हो, अब उस बिज़नेस पे इन्वेस्ट कर रहे हो। तो अगर इस कंपनी का बिज़नेस पे आप लोगों को भरोसा है तो ही इन्वेस्ट करना, बाकी आप लोगों के ऊपर है आप लोग कैसे इन्वेस्ट करना चाहोगे, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग्स के लेवल भी मैंने आप लोगों को बता दिया और लॉन्ग टर्म में स्टॉक कैसी है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया, बाकी टोटली आप लोगों के ऊपर है आप लोग कैसे इन्वेस्ट करना, आप लोगों को कैसे इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आफ्टर ऑल आपका पैसा है। तो किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करना, फाइनेंशियल एडवाइज़र या तो फिर अपने खुद का रिसर्च ऐड कर लेना, किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत कर, किसी को ब्लाइंडली फॉलो करके स्टॉक मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट मत करना। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, बाय गाइस। और अगर आप लोगों के मन में कोई भी क्वेरी है स्टॉक मार्केट या स्टॉक मार्केट से, मतलब किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, तो फिर मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पे मुझे DM कर सकते हो, जितना हो सके जितना जल्दी हो सके मैं आप लोगों का जो डाउट है या तो फिर प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। बाय गाइस एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड स्टे सेफ।